अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुह। प्यारे बच्चों, हमने एलकेजी इंग्लिश मीडियम हमने एलकेजी में अलीफ से लेकर सा तक के हर्फ को हमने लिखा और पढ़ा। प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले अलीफ से अर्नब, अर्नब का माना रैबिट। इसी तरह बा से बैत, बैत का माना है घर, जिसे हम इंग्लिश में हाउस कहते हैं। उसी के बाद ता से तुफा, ता से तुफा का माना है सेब, जिसे हम इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। इसी तरह सा से सौब, सौब का माना है कपड़ा, जिसे हम इंग्लिश में क्लोथ कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये चार हर्फ को हमने यहाँ पर लिखा और पढ़ा। प्यारे बच्चों, आज हमें ये चार हर्फ जो हमने यहाँ पर पढ़े, उसी हर्फ का क्या करना है, रिवीजन करना है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हम लिखेंगे अलीफ से अर्नब। अलीफ के बाद एक खाना छोड़कर हम कौन सा हर्फ लिखेंगे, बा से बैत। बा से बैत का माना है घर, जिसे हम इंग्लिश में हाउस कहते हैं। बा के बाद एक खाना छोड़कर हम कौन सा हर्फ लिखेंगे, ता से तुफा। ता से तुफा का माना है सेब, जिसे हम इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। ता के बाद एक खाना छोड़कर कौन सा हर्फ लिखेंगे, ता के बाद सा। सा से सौब, और सा से सौब का माना है कपड़ा, जिसे हम इंग्लिश में क्लोथ कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमें पूरा पेज भरकर हमें लिखना है और पढ़ना है। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमें हमारी बॉक्स वाली अरबी की नोटबुक में हमें क्या करना है, लिखना है। प्यारे बच्चों, इसी तरह हम पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अलीफ से अर्नब, अर्नब का माना है खरगोश, जिसे हम रैबिट कहते हैं। अलीफ के बाद एक बॉक्स छोड़कर हम लिखेंगे बा से बैत। बा से बैत का माना है घर, जिसे हम क्या कहते हैं, हाउस कहते हैं। इसी तरह बा के बाद कौन सा हर्फ है, ता। तो हम एक बॉक्स छोड़कर ता से तुफा, ता से तुफा का माना है सेब, जिसे हम एप्पल कहते हैं। इसी तरह ता के बाद एक बॉक्स छोड़कर हम क्या लिखेंगे, सा से सौब। सा से सौब का माना है कपड़ा, जिसे हम इंग्लिश में क्लोथ कहते हैं। इसी तरह हमें पूरा पेज भरकर लिखना है, क्या करना है, पूरा पेज भरकर लिखना है। प्यारे बच्चों, इसी तरह एक बॉक्स छोड़कर हम फिर से लिखेंगे अलीफ से अर्नब। अर्नब का माना खरगोश, जिसे हम रैबिट कहते हैं। अलीफ के बाद है हर्फ बा। बा से बैत, बा से बैत का माना है घर, जिसे हम क्या कहते हैं, हाउस कहते हैं। इसी तरह बा के बाद एक बॉक्स छोड़कर हम क्या लिखेंगे, ता से तुफा। ता से तुफा का माना है सेब, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्पल कहते हैं। ता के बाजू में एक बॉक्स छोड़कर हम कौन सा हर्फ लिखेंगे, ता के बाद कौन सा हर्फ आएगा, सा से सौब। सा से सौब का माना है कपड़ा, जिसे हम इंग्लिश में क्लोथ कहते हैं। इसी तरह हमें पूरा पेज भरकर लिखना है और पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हम लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। अलीफ से अर्नब, अलीफ के बाद कौन सा हर्फ, बा से बैत। बा से बैत के बाद कौन सा हर्फ आएगा, ता से तुफा। कौन सा हर्फ आएगा, ता से तुफा। ता से तुफा का माना है सेब। इसी तरह के बाद एक बॉक्स छोड़कर हम क्या लिखेंगे, सा से सौ। इसी तरह हमें पूरा पेज भरकर क्या करना है, लिखना है, क्या करना है, लिखना है। तो इसी तरह हम पूरा पेज भरकर अलीफ से अर्नब, अर्नब का माना है खरगोश, जिसे हम रैबिट कहते हैं। अलीफ के बाद बा, बा से बैत। बा से बैत का माना है घर, जिसे हम हाउस कहते हैं। इसी तरह बा के बाद हर्फ ता। ता से तुफा। ता से तुफा का माना है सेब, जिसे हम इसमें क्या कहते हैं, एप्पल कहते हैं। इसी तरह ता के बाद कौन सा हर्फ आएगा, सा। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे सा से सौ, जिसे हम क्या कहते हैं, सा से सौब का माना है कपड़ा, जिसे हम इंग्लिश में क्लोथ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर अलीफ से लेकर सा तक के हर्फ को हमने क्या किया है, लिखा और पढ़ा।
और प्यारे बच्चों हर्फ को हमने यहाँ पर समझा। तो प्यारे बच्चों आज हमने अलीफ से लेकर सात तक के हर्फ का रिवीजन किया है। तो प्यारे बच्चों हमें हमारे अरबी की बॉक्स वाली नोटबुक में इसी तरह अलीफ से अरनब, बा से बैत, बा के बाद कौन सा हर्फ, ता से तुफा और ता के बाद सा से सौर, ये चार हर्फ को लिखना है, पढ़ना है और समझना है। प्यारे बच्चों ये है हमारा आज का सबक और हमारे हमारी नोटबुक में अलीफ से लेकर सात तक के ये चार हर्फ का होमवर्क करना है। तो प्यारे बच्चों हम हमारा होमवर्क अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। आगे के हर्फ में हम इंशाल्लाह जीम को सीखेंगे, जीम से जमल हर्फ को हम क्या करेंगे सीखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह।